हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। जी हां दोस्तों, यूपीपीएससी नर्स भर्ती 2021 बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। बिल्कुल दोस्तों, स्टाफ नर्स एनम नर्सिंग सिस्टर असिस्टेंट नर्सिंग के लिए 10,180 पदों पर भर्ती आने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, ऑफिशियली न्यूज है, 101% भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुत ही बड़ी खबर है, आज है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल की बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसमें आप लोग लिस्ट भी देख सकते हैं जो कि स्टाफ नर्स की यहां पे वैकेंसी है, नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है, नर्सिंग अधीक्षक की वैकेंसी है, उप नर्सिंग अधीक्षक की वैकेंसी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया भर्ती है। 25 मई से आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर DS नेगी का बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। सारी जानकारी हम आपको देंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब लोकेशन क्या होगी, और इसमें जो है कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली न्यूज पर। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर देखिए, प्रदेश में नर्सेज समय के 40% पद खाली हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, 40% यहाँ पे जो है वैकेंसी खाली है। आप लोग यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स देख सकते हैं। साथ ही जो महानिदेशक हैं स्वास्थ्य के, डॉक्टर DS नेगी, उनका यहाँ पे अपडेट भी आप लोग देख सकते हो। तो ये बिल्कुल पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है प्रूफ दिखा दूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है अमर उजाला, शासन प्रशासन और कर्मचारी। ऊपर आप लोग यहां पे देखिए, लखनऊ रविवार 25 अप्रैल 2021 की न्यूज निकल के आ रही है। बिल्कुल दोस्तों, लखनऊ रविवार 25 अप्रैल 2021 बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज है। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब इसमें आप सभी लोग देखिए, तो सबसे पहले आपको दिखा दें कितनी वैकेंसी यहाँ पर खाली है। तो स्टाफ नर्स के सर्वाधिक पद खाली हैं, जिसमें मुख्य नर्सिंग अधिकारी के लिए स्वीकृत पद एक है और एक वैकेंसी खाली है। और यहाँ पे जो स्वीकार किया गया है, एक वैकेंसी है। इसमें नर्सिंग अधीक्षक के लिए एक वैकेंसी है जो खाली पद है, एक है। उप नर्सिंग अधीक्षक के लिए जो स्वीकृत पद है 618, जिसमें खाली पद 0 है। सहायक नर्सिंग अधीक्षक के लिए 310 वैकेंसी, नर्सिंग सिस्टर के लिए 1469 वैकेंसी है। वहीं स्टाफ नर्स के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, स्टाफ नर्स के लिए 7666 वैकेंसी है। तो बहुत ही बड़ी खबर है, टोटल 10,180 प्लस वैकेंसी यहां पे दोस्तों UPPSC, साथ ही UP SSSC, और यहां पे जो कुछ और है UP NHM, ये भी दोस्तों भर्ती करने वाली है। कुछ भर्ती दोस्तों परमानेंट है और कुछ भर्ती संविदा पर हैं, जिसमें पूरी न्यूज यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ, मरीजों की सेवा में दिन रात लगे रहने वाले नर्सेज संवर्ग गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। प्रदेश में इस संवर्ग के करीब 40.69% पद खाली होने से इन पर जहां जिम्मेदारी बढ़ गई है, वहीं कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इनका काडर रिव्यू भी नहीं हो पाया है। WHO और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार अस्पताल भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या के आधार पर नर्स की नियुक्ति का प्रावधान है। समान वार्ड में 3 बेड पर एक स्टाफ नर्स है और ICU में 1 बेड पर एक स्टाफ नर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों जनरल वार्ड में जो है, अगर 3 बेड है तो यहाँ पे जो है एक स्टाफ नर्स और ICU में जो है एक स्टाफ नर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। मानव संसाधन विभाग की ओर से 5 बेड पर एक स्टाफ नर्स का नियम बनाया गया है। तो अभी आप लोग देखिए, 5 बेड पर एक स्टाफ नर्स जो है इसका नियम बनाया गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने 100 बेड के अस्पताल में 36 स्टाफ नर्स का प्रावधान किया है। सरकार की नियमावली के अनुसार स्वीकृत 9465 पद में से 3937 पद खाली चल रहे हैं।
राजकीय नर्सेज संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार एवं महामंत्री सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पदों को भरने के लिए लगातार मांग की जा रही है, लेकिन शासन स्तर पर सुनवाई नहीं है। वर्ष 2016 में स्टाफ नर्स की भर्ती हुई थी, उसके बाद अस्पतालों की संख्या और अस्पतालों के उच्चीकरण हो रहा है, लेकिन मैन पावर की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ऐसे में नर्सेज संवर्ग पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए निकल के आ रही है। अब इसमें बोला गया कि नर्सेज के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, ज़रूरत के हिसाब से संविदा के आधार पर भी बड़ी संख्या में नर्सेज की नियुक्ति की गई है। डॉक्टर डीएस नेगी, महानिदेशक स्वास्थ्य। अब इसमें आगे देखिए तो सरकारी प्रावधान में भी संशोधन की ज़रूरत है। राजकीय नर्सेज संघ के अध्यक्ष जो हैं अशोक ने कहा कि प्रदेश सरकार के मानक के अनुसार 100 बेड के हॉस्पिटल में 36 स्टाफ नर्स का प्रावधान है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यदि 5 बेड पर एक स्टाफ नर्स की तैनाती की जाए तो भी 24 घंटे में कम से कम 4 की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि 3 ड्यूटी पर रहेंगी और एक को अवकाश अथवा अन्य आपात स्थिति के लिए रिजर्व में रखना होगा। इस तरह 100 बेड वाले अस्पताल में कम से कम 80 स्टाफ नर्स की व्यवस्था की जाए, तब जाकर लोगों को समुचित इलाज मिल सकेगा। अब दोस्तों आप सभी को बता दें तो यह भर्ती कहाँ करेगी, कौन डिपार्टमेंट करेगी, तो यह दोस्तों UPPSC करेगी, UP SSC NM की भर्ती करेगी, UP SSC NM की भर्ती करेगी, और जो संविदा पर भर्ती है दोस्तों UP NHM करने वाली है। अभी दोस्तों UP NHM का 2700+ एंड 1400+ का जो भर्ती प्रक्रिया है अभी इसमें जो है रोका गया है, जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसे अभी स्थगित कर दी गई है। अभी जो इसका रिजल्ट है प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको बता दें UPSC भर्ती करेगी, UPPSC भर्ती करेगी, इसमें दोस्तों स्टाफ नर्स की वैकेंसी है और नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है, NM की वैकेंसी है। UP SSC दोस्तों NM की भर्ती करेगी, तो NM के लिए जो है NM वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और अगर आपने जो है GNM का रखा है दोस्तों, BSc नर्सिंग का रखा है, तो आप सभी लोग जो हैं मुख्य नर्सिंग अधिकारी के लिए नर्सिंग अधिकारी और उप नर्सिंग अधिकारी, सहायक नर्सिंग अधिकारी को छोड़ के सिस्टर और स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करेंगे। वहीं अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा 1 साल का और आपने जो है BSc कर रखा है या MSc कर रखा है, MSc नर्सिंग, तो आप लोग मुख्य नर्सिंग अधिकारी के लिए, नर्सिंग अधीक्षक के लिए, उप नर्सिंग अधीक्षक के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज है 25 अप्रैल, 1 महीने के अंदर दोस्तों यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी जाएगी। लगभग मई में 100% दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा। कुछ वैकेंसी जो है अर्जेंट भर्ती की जाएगी इसमें से, जो कि अभी जल्द ही भर्ती होने वाली है, संविदा पर दोस्तों यह भर्ती होगी, और जो परमानेंट भर्ती है लगभग लास्ट मई या 5 जून तक जो है, जो परमानेंट भर्ती है उसको किया जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा समय लगेगा। और ये बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियली खबर है, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है, तो जैसे ही इस पर कोई ऑफिशियली अपडेट आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अभी आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज़ मैं लेकर आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।